أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم قال الله في شأنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قلندر کو ولی کرتا ہے عشق انسان کو قلندر کو ولی کرتا ہے عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے سبحان اللہ پھر سے سنیے عشق انسان کو قلندر کو ولی کرتا ہے عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے हर शय किसी ना किसी से प्यार करती है हर शय आज हम उसको टर्निंग पॉइंट बताएंगे हर इंसान किसी ना किसी से प्यार करता है कोई अपनी बीवी से प्यार करता है कोई अपने बच्चों से प्यार करता है कोई अपने माँ बाप से करता है करना भी चाहिए इसलिए इस कायनात में सबसे कीमती चीज़ माँ है कि हद से ज्यादा और जन्नत रिजर्व करवा लीजिए माँ से प्रेम करके बाप भी बिला वजह नहीं है लेकिन माँ का मकाम बड़ा है माँ की मेहनत बहुत है माँ का मकाम बड़ा है मैंने आयत पढ़ी है एहदिनस सिरातल मुस्तकीम ये क्या है एहदिनस सिरातल मुस्तकीम क्या है कायम कर लेता है तब उसको सिरातल मुस्तकीम का एड्रेस मिलता है तब उसको सिरातल मुस्तकीम का सही मफहूम मालूम पड़ता है कि अब हमारी लाइन ठीक जा रही है जिसको दूसरी भाषा में कसोब की भाषा में सिरातल मुस्तकीम को बोलते हैं कसोर ए शेर बहुत कीमती तकरीर है इसको लोड कीजिए डालिए इसको तसोब की भाषा में बोलते हैं कसोर ए शेर जितना ज़्यादा तुम्हारा तस्वर शेख स्ट्रांग हुआ जितना ज़्यादा तुम पीर से प्यार करोगे उतना ही पॉजिटिव शक्तियाँ पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगी इंसान इंसान जिन्नात फरिश्ते औलिया और भी कायनात में करोड़ों किस्म की शक्तियाँ हैं तो जब आदमी तस्वर शेख में डूब जाता है तस्वर शेख में मस्त रहता है तो तमाम कायनात की पॉजिटिव शक्तियाँ उसकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं और निगेटिव शक्तियाँ धीरे धीरे झड़ने लगती हैं धीरे धीरे भागने लगती हैं काम खराब होना मतलब निगेटिव शक्ति आदमी के घर में झगड़ा होना यानी निगेटिव शक्ति बच्चा ना पैदा होना यानी निगेटिव शक्ति बीमारी पैदा होना यानी निगेटिव शक्ति जो भी ख़राब चीज़ें हैं वो सब निगेटिव शक्तियाँ हैं तो तस्वूर शेख से जितना बेहतरीन साफ सुथरा तुम्हारा तस्वूर शेख होगा उतना ही तुम पॉजिटिव होते चले जाओगे और जब पॉजिटिव होते चले जाओगे तो निगेटिव तुम्हारे बदन से तुम्हारे आसपास से खारिज होती चली जाएंगी अब भी चली जाएंगे सिरात मुस्तकीम क्या है तस्वूर शेख अपने अंदर दूसरी भाषा में सिरात मुस्तकीम होते हैं सुषुम्ना नाड़ी को जो सुषुम्ना नाड़ी को सीधी बना करके और अर्शे आज़म पर चढ़ जाता है वो आदमी कामयाब हो जाता है सुषुम्ना नाड़ी को सीधी बनाइए और उस सचखंड में चढ़ जाइए लामका की सैर कीजिए अर्शो कुर्सी की सैर कीजिए तो सबसे पहले इंसान को सबसे ज़्यादा जो जोर लगाना चाहिए वो तस्वूर शेख पर और तस्वूर शेख जम जाएगा जहाँ तुमने शेख की खिदमत करनी शुरू की बस तस्वूर शेख जम जाएगा अगर तुम खिदमत भी नहीं करते हो सोचते तस्वूर शेख तुम्हारे दिल में मोहब्बत भी नहीं पाई जाती और तुम तस्वूर शेख मार पीट के अगर जमा भी लिए किसी तरह से तो फ़ायदा नहीं देगी
फायदा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी पीर के यहाँ खिदमत करे। तुम देखो दरगाहों में बहुत से लोग जुबान जलाते हैं, बहुत से अगरबत्ती जलाते हैं, और किसी भी मज़ार पे जाइए, किसी भी बुजुर्ग के यहाँ जाइए, किसी आलिम के पास जाइए, किसी पीर के पास जाइए, तो बहुत से लोग वहाँ खिदमत करते रहते हैं। क्यों, क्या कारण है? क्या खिदमत करने वालों की कमी है? लेकिन लोग जाते हैं और जानबूझ करके पीर के सामने घूमते हैं, टहलते हैं, काम करते हैं, ताकि हमारी सूरत पीर की, पीर के ख्याल में जम जाए। उसी शख्स की तरक्की होती है, वो चाहे अंबानी हो, पता लगाओ किसकी मुरीद है अंबानी, कोई भी हो। दुनिया में जितने कामयाब तरीन शख्स हैं, उन सब की कामयाबी के पीछे गुण रहा है। कोई भी सब की कामयाबी के पीछे गुण रहा है। तो पीर को दिखा दिखा के काम किया जाता है ताकि उसकी नज़र में शक्ल जम जाए, सूरत जम जाए उस मुरीद की। एक चीज़ दूसरे, हमारे सिलसिले में वज़ादारी की बड़ी पाबंदी है। हुजूर वारिस पाक का तरीका ये था कि बचपन से आप जिस गली से कहीं चले गए, जब भी कभी ज़िंदगी में उधर गुजर हुआ तो उसी गली से निकले, वज़ादारी की पाबंदी। अगर किसी पेड़ के नीचे बचपन में बैठे थे तो आखिरी दम तक जब भी उधर से गुजर हुआ तो थोड़ी देर तक उस पेड़ के नीचे ज़रूर बैठे। एक बार बहुत तेज धूप थी, मई जून की सड़ी हुई गर्मी थी, और एक किले पर सरकार वारिस पाक ने पालकी रुकवाई और फरमाया कि हमको थोड़ा देर यहाँ बैठे दो, बाहर ले जाओ एक लड़की को, बाहर ले जाओ एक बच्चे को, बाहर ले जाओ। थोड़ी देर बैठ गए तो खादिमों ने कहा, हुजूर इतनी तेज धूप है और यहाँ कुछ मैदान है, कुछ भी नहीं है, यहाँ क्यों बैठना पसंद करते? तो हुजूर वारिस पाक ने फरमाया, बचपन में एक बार इधर से मैं गुजरा था तो यहाँ एक पेड़ था, उसके नीचे बैठा था। अगर आज मैं ना बैठूं इसके नीचे, इस जगह पे, तो कयामत के दिन ये जगह अल्लाह से शिकायत करेगी, या अल्लाह तेरे महबूब का नवासा, बस एक ज़माना हुआ, एक ज़माना था कि हमारी जगह पर पेड़ था, तो यहाँ आके बैठा था, वो पेड़ कट गया तो उसने हमको नज़रअंदाज कर दिया, तो हम कयामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे? तो ये सिर्फ वारिस पाक की सुन्नत नहीं है। इसमें जितने लोग अगर मौलवियों की तकरीर सुने होंगे तो सुकून हन्नाना का वाकया ज़रूर सुने होंगे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद नबवी तामीर कर ली मदीना शरीफ में, तो उससे पहले एक खजूर का सूखा पेड़ था, उसको टेका लगा के आप खुतबा दिया करते थे, उसको टेका लगा के खुतबा दिया करते थे। जब मस्जिद नबवी बन गई तो उस खजूर के पेड़ को दूर रख दिया, और जैसे ही मिंबर पर सरकार खड़े हुए और खुतबा देना शुरू किया, तो वो सूखा हुआ खजूर का पेड़ चीख चीख करके ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू किया, और इतना ज़ोर से रोना शुरू किया कि पूरे मस्जिद नबवी में जितने सहाबे किराम मौजूद थे वो सब उसके रोने की आवाज़ को सुन रहे थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन मिंबर से नीचे तशरीफ़ लाए और उसके पास जाके पूछा, क्या बात है? बोली, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं अपनी नज़रों से गिर गया। एक ज़माना था कि आप मुझे पीठ लगा करके बैठा करते थे, और उस नूर की चुंबकीय शक्तियों का आनंद मैं लिया करता था, उस नूर की शक्तियों का मैं पूरा मज़ा लेता था और मुझे सुकून मिलता था। आज मैं अपनी नज़रों से इसलिए गिर गया कि आपने मिंबर तामीर करवा लिया और हमको दूर फेंक दिया। फरमाया, नहीं, तू मुझे प्यार करता है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। फौरन साहब इकराम के इरशाद फरमाया, इस मिंबर को तोड़ दो और इसके नीचे उस खजूर के पेड़ को दफन करो, उसके ऊपर मिंबर बनाओ। ये वहाँ से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और है कि ओहद पहाड़ मुझसे प्यार करता है और मैं ओहद पहाड़ से प्यार करता हूँ। पता चला कि कंकर पत्थर भी प्यार की भाषा समझते हैं, पेड़ पौधे भी प्रेम की भाषा समझते हैं। तुम करके तो देखो, तुम करके देखो प्रेम। तुम किसी कुत्ते को एक दिन एक पागले बिस्कुट दे दो, दूसरे दिन अगर वो इंतजार करते ना मिले तुम्हारा, मेरा नाम फिर दो। प्रेम इतनी शक्तिशाली चीज है, ऐसी शक्तिशाली विद्या है प्रेम कि इसके बहुत से फल हैं। तुम किसी कौवे को, कुत्ते को, बिल्ली को तुम खाना देना शुरू करो, चिड़िया को खाना, सांप बिच्छू को खाना देना शुरू कर दो, और वो तुम पर मेहरबान हो जाएगा। सोचो जब अल्लाह की मखलूक एक छोटी सी
इतनी सी चीज से मेहरबान हो जाती है। अगर तुम अल्लाह की तरफ रुजू कर लो तो अल्लाह कितना मेहरबान हो जाएगा, अगर तुम पीर की तरफ रुजू कर लो पीर कितना मेहरबान हो जाएगा, अगर तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू हो जाओ तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने मेहरबान हो जाएंगे। जब इन शक्तियों से तुम्हारा नाड़ा जुड़ गया, तुम्हारा धागा जुड़ गया, तुम्हारी डोर जुड़ गई, तुम्हारी रस्सी जुड़ गई, तुम्हारी जंजीर जुड़ गई, तो बताइए कि कोई शक्ति है जो दुनिया में तुमको तकलीफ दे सके? नामुमकिन है, असंभव है। लेकिन इश्क का रास्ता सबको सूट नहीं करता, सबको सूट नहीं करता। बहुत से लोग तो कुछ और ही तलाश करने आते हैं कि चलो अच्छा प्लेटफॉर्म लगे कुछ और ही तलाश कर लो। ये मोहब्बत का जो रास्ता है वो सबके लिए नहीं होता, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर सांस के गाया नहीं जाता, तो ये सबको सूट नहीं करता है। ये सूट किया था हजरत बिलाल को, ये सूट किया था हजरत अबू गफ्फारी को, ये सूट किया हजरत अबू बकर सिद्दीक को, ये सूट किया हुजूर मौलाए कायनात को, ये सूट किया हजरत उमर बिन खत्ताब को, ये सूट किया हजरत उस्मान गनी को और तमाम आशिकीन को। अबू जहल और अबू लहब को सूट नहीं किया है रास्ता, उनको सूट नहीं करेगा, उनको सूट नहीं करेगा। इसलिए कि इस रास्ते में अक्ल की गुंजाइश नहीं है, मोहब्बत के रास्ते में अक्ल की गुंजाइश नहीं है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर रिसर्च किया और फरमाया कि अक्ल आमद दीन और दुनिया शुद्ध करा। इश्क के रास्ते में जब तुम चलोगे तो अक्ल की गुंजाइश नहीं है, अक्ल जो है वो मक्कारी करती है। अक्ल का देवता बड़ा डेंजर है, तो अगर तुम अक्ल को इस्तेमाल किए तो तुम्हारा रास्ता भी लूट लिया जाएगा, रास्ता भी खराब हो जाएगा और तुम मंदिर में भी नहीं पहुँचेंगे। अक्ल आमद दीन और दुनिया शुद्ध करा, इश्क आमद दोनों आलम कामयाब। अगर आदमी के अंदर इश्क जाग जाए तो अक्ल को साइड कर दो, इसलिए कि इश्क तुमको वहाँ ले जाएगा जहाँ अक्ल की गुंजाइश नहीं, जहाँ अक्ल की इंतहा, मतलब अक्ल तो बहुत कम दर्जे पर ही इंतहा पर पहुँच जाती है लेकिन इश्क की इंतहा नहीं। इश्क वो है जो लामका तक सैर करवाता है, इश्क वो है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, महबूब को अपने मोहब्ब के पास रातों रात कहाँ से कहाँ तक का सैर करवा देता है, पूरी कायनात का सेकंडों में सैर करवा देता है। ये इश्क का मफहूम है, ये इश्क है। दिमाग वाला तो खाली तस्वीर में रह जाता है लेकिन आशिक वहाँ पहुँच जाता है जहाँ दिमाग नहीं पहुँच सकता। किसी का शेर है, चूं किसको फेंकूं किसको ठुकराऊं, तेरी गली का हर एक पत्थर हीरा लगता है। जब आदमी को प्यार हो जाता है, जब मजनू को लैला से प्यार हो गया तो लैला के गली के कुत्ते के पैर के निशान को भी मजनू चूमता था। तो जब आदमी को पीर से प्यार हो जाता है तो उसके दरो दीवार से प्यार हो जाता है। आदमी जाता है अपने महबूब के यहाँ तो उसकी दरों दीवार को चूमता है, उसकी चौखटों को चूमता है, उसके दरवाजों को चूमता है, उसकी औलादों को चूमता है, उसके जूते चप्पल को चूमता है और ये सारी चीज़ों का सबूत बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आती है। जो हम बोलेंगे हर चीज़ का अगर जवाब उनको चाहिए तो एक ही चौखट है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर कोई चौखट से उनको सारे सवाल, कायनात के सारे सवालों के जवाब मिलेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ गए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और जो वहाँ से टच हैं उनके यहाँ, जो उनकी औलादें हैं उनके यहाँ से इसका जवाब मिल जाता है। सरकार वाइस पाक ने फरमाया इसके ऊपर आदमी रिसर्च करे तो पूरी कायनात, पूरी दुनिया में जितना जीव है हर जीव इसके ऊपर पीएचडी कर सकता है। सरकार वाइस पाक फरमाते कि सुना सुना मोहब्बत हमारा है मशरब है, मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। मोहब्बत है तो रोज़ा नमाज हज ज़कात सब ठीक है, अगर मोहब्बत नहीं तो रोज़ा नमाज हज ज़कात सब बेकार है। तो मोहब्बत के बगैर आदमी जो भी इबादत करे दिखावे के लिए, खाली तुम मत्थे पे घिट्ठा बना सकते हो लेकिन मोहब्बत तो वो है कि जो तुम्हारे दिल में घिट्ठा पड़ जाए, प्यार करते करते दिल में घिट्ठा पड़ जाए, ऊपर मुंह पे घिट्ठा पड़ने से कुछ नहीं होता, अंदर घिट्ठा पड़ जाए। और जब आदमी को प्रेम हो जाता है तो महबूब मजबूर नहीं, महबूब मजबूर नहीं। इसलिए कि अगर तुम्हारा महबूब बज़ाहिर मजबूर दिखता है तो पूरी कायनात का जो महबूब है, पूरी कायनात के खालिक और मालिक का जो महबूब है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मजबूर है, वो मुख्तार है और उनका जो खालिक है मालिक है परवरदिगार आलम है।
वो तो जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, चाहे तो राय को पहाड़ बना दे, पहाड़ को राय बना दे, जो चाहे कर, जो चाहे कर। तो हमेशा मैं मोहब्बत पर बोलता हूँ और जब तक जीवन है तब तक मोहब्बत पर ही बोलता रहूँगा, इसलिए कि मोहब्बत से ही जो कुछ मिला है मुझे मिला है, और जो कुछ मैंने दुनिया में देखा, जिसने भी कुछ पाया है, जिसने भी कुछ पाया है, अगर जिक्र फिक्र से आदमी खाली है, जिक्र करके अगर विलायत मिलती तो सारी दुनिया का वहाबी मौजूद कुतुबुल अख्ताब होगा, उससे ज़्यादा कोई जिक्र नहीं करता, उससे ज़्यादा कोई नमाज नहीं पढ़ता। लेकिन ये मामला है इश्क का, मामला है इश्क का, कि तुम्हारे पास जिक्र भी हो, हथियार तलवार है जिक्र, तुम्हारे पास ये भी तलवार हो, लेकिन धार इश्क की हो, धार इश्क की हो, नहीं तो तलवार नहीं चलेगी, तलवार कुंद हो जाएगी। तो तुम्हारे पास जिक्र की तलवार हो और इश्क की धार हो, तब वो कामयाबी तुम्हारे कदम चुनेगी, जो चाहिए वो तुम हासिल कर सकते हो, इश्क होना चाहिए। और कल मैं बोल रहा था कि इश्क में अगर तुम लुट भी गए ना तो भी आबाद हो जाओगे, इश्क में अगर तुम बर्बाद भी हो गए ना तो भी आबाद हो जाओगे, इश्क में अगर राहत तुमको, अगर पैसा भी मिल गया तुमको, चोर भी मिल गया रास्ते में और उसने लूट लिया इश्क में, तो भी तुम कामयाब हो गए, फेल नहीं हो, इसलिए कि तुम्हारे अंदर इश्क की शक्ति जाग चुकी है। और इश्क की शक्ति जब जाग जाती है तो वो मासूम तक पहुंचा के तभी ठंडी होती, ठंडी होती नहीं, ठंडी होती नहीं, इश्क की आग ठंडी होती नहीं, अगर ठंडी हो गई तो फिर वो इश्क की आग नहीं, इश्क की आग ठंडी नहीं, तो अपने अंदर इश्क की चिंगारी पैदा की और थोड़ा मिटने की तमन्ना रखी, फना होने की तमन्ना रखी, इसलिए कि जब तुम फना हो जाओगे तो बका की मंजिल तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगी। बीज को पानी मिट्टी में दबाओ, अगर बीज सोचे नहीं मैं सड़ूंगा नहीं, मैं फटूंगा नहीं, तो फिर वो पेड़ नहीं बन सकता। तो मुरीदों को चाहिए कि कुछ ना कुछ तो पीर के दरबार में खिदमत करना ही चाहिए, थोड़ा बीज जो है फटना चाहिए, उसके अंदर से पौधा भी निकलना चाहिए। अगर तुम अपने आप को संभालते रहे तो बीज बीज के बीज ही रह जाओगे, तुम बरगद का पेड़ नहीं बन सकते। तुम्हारे अंदर वो शक्ति मौजूद है कि पूरी कायनात की जड़ें तुम्हारे अंदर मौजूद है, तुम पूरी कायनात में फैल सकते हो, तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति मौजूद है कि तुम पूरी कायनात के अंदर फैल सकते हो। तो महसूस तो करो, मेहनत तो करो, कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो, सब मुमकिन। हुजूर वारिस पाक के पास कुछ गए मुकलिद लोग, गए मुकलिद लोग आए और बोले कि सुना है कि आपके दादा पीर हुजूर गौसुल आजम ने 71 जगह पर एक ही टाइम पर अफ्तारी की, ऐसा कैसे संभव है, ऐसा कैसे मुमकिन है? तो हुजूर वारिस पाक ने फरमाया कि मुमकिन है, बोले हम लोग को तो समझ में नहीं आता है। तो सरकार ने फरमाया इमली का पेड़ लगा है, तुम्हारे समझ से कितने पत्ते होंगे? तो बोले कई हजार करोड़। तो सरकार ने फरमाया फिर हर पत्ते का देखो, तो हर पत्ते को देखा तो सरकार वारिस पाक जलवा करे, हर पत्ते पर सरकार वारिस पाक बैठे, तो फौरन लोग मुसलमान हो गए, सारे वहाबी मुसलमान हो। फिर कुछ वहाबी आते रहते थे सरकार के पास, बोले सुना है आप नमाज नहीं पढ़ते। बोले कौन बोलता है? बोले नहीं, लोग सुने हैं कि आप नमाज नहीं पढ़ते। सरकार ने पहले तो फरमाया कि मौलाना वो जब इतना करीब हो, इतना करीब हो, इतना करीब हो कि तुमसे भी ज़्यादा, उसका नाम लेके कैसे पुकार भाया आती है? तो मौलाना लोग सब रक्स करने लगे, बेहोश हो गए, फिर खड़े नत नाच रहे, रक्स कर रहे, या अल्लाह क्या कह दिया सरकार ने। सरकार ने फरमाया ठीक है चलो नमाज पढ़ते हैं। सामने कुआं था, सरकार ने फरमाया जा नमाज बिछा कर इमामत करो, बोले सर कुएं के बीचों बीच में जरा इमामत करो, जा नमाज बिछाओ। तो मौलवी साहब तो पेशाब कर दे, उनका पैजामा भीग गया, गिर गए बेहोश हो गए। सरकार वाले साहब ने यूं जा नमाज फेंकी और कुएं के ऊपर खड़े होकर बुलाइए हुजूर वारिस पाक के कई वाकयात हैं। हुजूर वारिस पाक मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी के अंदर लेटे हुए थे और एक हाजी आए, बोले हाजी नमाज का टाइम हो गया। हाजी सो रहे हैं, सरकार ने फरमाया नहीं फकीर सोता नहीं। बोले नमाज का टाइम, बोले आओ पढ़ते हैं। सरकार ने नियत बांधी दो रकात की और एक रकात में 25 पारा पढ़ा, पीछे वाला भाग गया।
दो रकात में हुजूर वाज पाक पूरा कुरान खत्म करते थे, हमेशा दो रकात में पूरा कुरान खत्म करते थे। जो भी आता था कि हाजी साहब सुना आप नमाज नहीं पढ़ सकते, तो पढ़ना नहीं पढ़ते हैं, आइए पढ़ाते हैं, जैसे नियत बांध नमाज जाते, तो फकीर नमाज पढ़ता ही है। लेकिन नमाज कई किस्म की होती है, हज़ारों किस्म की नमाज होती है, लेकिन उन हज़ारों किस्म की नमाजों का सहारा लेके तुम्हें पांच किस्म की जो नमाजें पाँच टाइम की इसको छोड़ नहीं सकते, ये असल है। इसको पहले पकड़ लो तो फिर तहजुद भी पकड़ में आएगी, इशराक भी पकड़ में आएगी, चाश भी पकड़ में आएगी, सलातुल तस्बीह भी पकड़ में आएगी, अवाबियों भी पकड़ में आएगी, और सारी नमाजें पकड़, सलातुल इश्क भी पकड़ में आएगी, सलातुल माशूम भी पकड़ में आएगी, सब सारी नमाजें पकड़ में आ जाएंगी। लेकिन पहले इनको पकड़ो, ये नमाज को पकड़ो, ये नमाज किसी भी माफ़ नहीं है, नमाज पढ़ना ही चाहिए, है ना अरमान, नमाज पढ़ना ही चाहिए, नमाज पढ़ना ही चाहिए। इसलिए जब आदमी नमाज पढ़ता है तो वो तमाम पापों से बच जाता है, तमाम रोगों से बच जाता है, ब्यूटी पार्लर से बच जाता है, ब्यूटी पार्लर के झंझट से बच जाता है, क्रीम पाउडर से बच जाता है, है ना, क्रीम पाउडर से बच जाता है, ब्यूटी पार्लर से बच जाता है, तो नमाज पढ़ना तो शुरू कर दो। इसलिए सुकून तुम्हारे अंदर है, तुम जहाँ भी दूसरी पार्टी में सुकून तलाश कर रहे हो तो दूसरी पार्टी में सुकून नहीं, पब्लिक ज़्यादा नहीं, तुम्हें खोल के बताता, लेकिन पब्लिक माशाल्लाह समझदार, शहबाज जैसे लोग समझदार समझ जाते हैं कि दूसरी पार्टी में तुम जहाँ भी सुकून तलाश कर रहे हो तो फालतू में मुँह मार रहे हो, सुकून तुम्हारे अंदर है, अंदर घुसो ना, अंदर घुस के देखो सुकून तुम्हारे अंदर है, अपने महबूब की सूरत को अंदर जमाओ और उसका दीदार करो, देखो सुकून की बारिश तुम्हारे ऊपर नाजिल होना शुरू हो जाएगा, सुकून का तूफान तुम्हारे अंदर आ जाएगा, सब कुछ तुम्हारे अंदर। एक चीज़ ज़रूरी चीज़ और बता देता हूँ, ख़त्म करता हूँ, आदमी का अगर नमाज पढ़ने को जीना चाहे तो सबसे पहले अपना रिजल्ट चेक करें, बेशक हम खा क्या रहे हैं, कहीं ब्याज वाला तो नहीं खा रहे, कहीं सूद का खाना तो नहीं खा रहे, कहीं कुत्ते का गोश्त तो नहीं खा रहे। कल हमारे पास पेपर आया है कि चाइनीज जो है वो टोटल सुअर के गोश्त का है, पिज्ज़ा बर्गर जो है पूरा डिटेल है मेरे पास, बर्गर पिज्ज़ा जो है ये सुअर के गोश्त का है, पूरा फार्मूला आया मेरे पास, और वो भी सुफी साहब ने भेजा है पूरा डिटेल सनद के साथ। तो बर्गर पिज्ज़ा से आप लोग परहेज करें, और जब भी नमाज के लिए कोताही तहजुद में उठने का जीना चाहे, फजर में उठने का जीना चाहे, तो फौरन आप अपना खाना चेक करें, अपना रिजल्ट चेक करें कि कहीं खाने में सूद का जहर तो नहीं है, ब्याज का जहर तो नहीं है, बेईमानी का जहर तो नहीं है, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि खाने खराब था इसके लिए तहज्जुद छूट रही है, खाने खराब था इसके लिए फजर छूट रही है, तो तुम अपना खाना चेक करो। और इससे पहले साल भर से मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि जितनी औरतें बैठी हुई ध्यान दें कि कोशिश करें कि खाना वज़ू से बनाएं, जब वज़ू करके खाना बनाओगे तो घर में कोई रोगी नहीं रहेगा, इसलिए कि घर में जितने रोग होते हैं वो दोष किचन का है, वो दोष खाने का है। जब औरतें गुस्सा होकर खाना बनाती हैं तो वो गुस्से की एनर्जी खाने में उतर जाती है और कोई ना कोई बीमार हो जाता है, अगर बड़े बीमार ने बड़े झेल जाते हैं तो छोटे बच्चे बीमार हो जाते हैं, इसलिए बच्चे नहीं झेल पाते। तो वज़ू से बनाइए, बहुत से लोगों की आदत है, बहुत सी औरतों की, ये दो टमाटर ज़रा फला से बाजू में से मांग लो, ज़रा नमक उसके यहाँ से मांग लो, ज़रा घास ले उसके यहाँ से ले आओ, ए किसका है रे, किसका है चाइनीज मोबाइल, बंद कर चाइनीज, घास ले उसके यहाँ से ले आओ, नमक उसके यहाँ से ले आओ, मिर्ची उसके यहाँ से मांग लो, टमाटर उसके यहाँ से ले आओ, कोथमीर उसके यहाँ से ले आओ, खाना आराम हो गया, ख़राब हो गया खाना, तुम्हारे यहाँ जो है उसी पर इक्तफा करो, उसी में बना लो, और अगर तुमको ज़रूरत है तो बाजार से मंगवाओ ना, इधर उधर से क्यों मांगते, ज़रा एक चुटकी शक्कर ले आओ, ज़रा एक चुटकी ये ले आओ, ज़रा एक चुटकी वो ले आओ, नहीं तुम्हारा किचन ख़राब हो जाएगा, और तुम्हारे किचन का जितनी बनाया बना बनाया जितना पावर है एनर्जी है सब ख़राब हो जाएगी, ऐसा पता ही मत उसको। नंबर एक, नंबर दो, जो औरतों की आदत होती बुराई करने की उनको भी रोग छोड़ेगा नहीं, और उनके हाथ का भी खाना टेस्टी नहीं बनेगा, और उनके हाथ का खाना भी तुम जब खाओगे तो तुमको जुलाब हो जाएगा या तुमको गैस हो जाएगी या पेट फूल जाएगा। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी छोटा से बड़ा, अपना किचन चेक कीजिए, समझ में आ जाएगा।
समझ में आ जाएगा। अपना पानी और दाना सही रखिए, इसलिए कि जैसा खाओ अन्न वैसा रहेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी रहेगी वाणी, वैसे जैसा पानी पियोगे वैसा तुम बोलोगे, चोरी का पानी पियोगे तो सोचिए। तो आज के मेरे बयान का मकसद ये था कि अपने रूप को पीर की तरफ करिए, गुरुमुख हो जाइए। वेद में बोलते हैं पीर करने को हम गुरुमुख हो गए, यानी गुरु की तरफ हमने अपना मुंह कर लिया, गुरु की तरफ हमने अपना मुंह कर लिया। एक शेर थोड़ा गड़बड़ याद नहीं, फिर से निकलना पड़ता है। हजरत मौलाना जलाल उद्दीन रूमी फरमाते हैं, सब किताबां सब वरत दरनार को, हुए जाना तालिबे दीदार को। मैंने सैकड़ों किताबें और सैकड़ों पन्ने मैंने आग में जला दिए, अब मैंने अपना रुख अपने शेख की तरफ कर लिया, अपना कुबला अपने शेख की तरफ। तो अपने रुख को अपने पीर की तरफ, रोटी खाना पकाते रहिए और पीर के तस्वीर में रहिए, दरूद शरीफ पढ़ते रहिए पीर के तस्वीर में रहिए, नमाज पढ़ते रहिए, कुछ भी करते रहिए पीर के तस्वीर में रहिए, फिर देखिए तुम्हारा जीवन कितना आनंदमय हो जाता है। सारे दुश्मन अपने आप नमक की तरह घुलने लगेंगे, नमक की तरह घुलने लगेंगे। बहुत से लोग क्या करते, पीर के यहाँ आते नहीं है। अब अगर उनसे कोई पूछे भाई क्या हो, आजकल जाते नहीं है, तो चूंकि दोस्त सुनता है फोकट में नहीं आते, तो दोस्त वो प्रॉब्लम बताएंगे। वो क्या है ना, कली भाई ना, कली तेरे को पसंद नहीं है, कली मदद के बगल में बैठता है। तो बाजी के पास बहाना क्या है, क्या बहाना करे, इसलिए कि बहाना उसके पास जायज कुछ भी नहीं है। तो क्या करे वो बोलते थे हाँ हजरत को फलाने में बिजी रहते हो, फलाने नहीं, हजरत अपने हजरत में बिजी रहते। अगर हजरत अपने हजरत में बिजी ना होते तो हजरत ना बन पाते। अगर हजरत को हजरत बनना है तो हजरत को अपने हजरत में बिजी होना ही पड़ेगा। तो अगर किसी को हजरत बनना है तो चाहिए कि हजरत अपने हजरत में बिजी हो जाए और हजरत बन जाए। जब इंसान इंसान से प्यार करता है तब इंसान बनता है, जब आदमी आदमी से प्यार करता है तब आदमी बनता है। तुमको खुदा नहीं मिलेगा, अगर खुदा को तुम पाना चाहते हो तो खुदा की इस मखलूक से प्रेम करना शुरू कर दो। इसलिए ये तसव्वुफ में अजीब अजीब तरीका है, जो तुम चाहते हो वही बांटना शुरू कर दो। अगर तुमको पैसा चाहिए पैसा बांटना शुरू कर दो, अगर तुमको प्रेम चाहिए प्रेम बांटना शुरू कर दो, अगर तुमको दौलत चाहिए दौलत बांटना शुरू कर दो, अगर तुमको कपड़ा चाहिए कपड़ा बांटना शुरू कर दो, जो तुमको चाहिए वही अल्लाह के राह में देना शुरू कर दो। इसलिए कि अल्लाह फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बून, जब तक तुम अपनी सबसे पसंदीदा शय अल्लाह की राह में कुर्बान नहीं करोगे तब तक फलाह नहीं पाओगे। आदमी की सबसे पसंदीदा शय क्या है ये बताएगा? आराम। तुम तहज्जुद के टाइम मां चर्रा चर्रा के करोड़ बदल बदल के सोओगे और चाहोगे कि खुदा तुमको प्रेम करे? तहज्जुद के टाइम कभी बिस्तर छोड़िए, जरा गर्म बिस्तर को लात मारिए और जानमाज भी आइए, और वो भी ठंडे पानी से वजू करके, ठंडियों के जमाने में। सोचो हिमालय पे कितने उलिया गुजरे, कितने ऋषि मुनि बर्फ में रह के बर्फ के पानी से नहाते हैं, बर्फ के पानी से वजू बनाते हैं, और उसके बाद वो रात को रात इबादत करते हैं, तब तुम्हारे पर पहुँचे। ऐसे थोड़ी कि तुम चाहो नींद भर सोएं और जटकी तक दबा के फोसें आए और उसके बाद खुदा वाले हो जाए, नहीं। तस्वीर का पहला फार्मूला है कम खाओ कम सो कम बोलो। अभी पोकट के पाए जाए तो हंडिया भर दूध पी लेते, दो किलो भैंसे का गोश्त नाश्ते में पब्लिक ले लेती है। तो बस यही कहना है कि गुरुमुख हो जाइए, अपने मुख को अपने मुंह को गुरु की तरफ फिरा लो, गुरु की तरफ कर लो। अगर कामयाब होना चाहते तो यहाँ भी कामयाब हो जाओगे और वहाँ भी कामयाब हो जाओगे, जमीन के नीचे भी और आसमान के ऊपर भी। इसके अलावा कहाँ जाओगे? या जमीन के ऊपर रहो या जमीन के नीचे जाओ या आसमान के ऊपर जाओ, तीन जगह हैं। आदमी को कामयाबी के लिए सबसे बढ़िया फार्मूला मैंने बता दिया है, गुरुमुख हो जाओ। बस आज के लिए बस इतना ही। वमा अलैना
फिंगर बनाया।